तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए भूकंप से तबाही मच गई है। तबाही के मंजर के बाद दुनिया भर के देशों ने एकजुटता दिखाते हुए सीरिया और तुर्की की मदद की पेशकश की। दुनिया भर के देश राहत सामग्री और बचाव दल तुर्की भेज रहे हैं। भारत भी ऑपरेशन दोस्त के तहत दोनों देशों की मदद कर रहा है। इस बीच पाकिस्तान ने इस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश की, जो कि उल्टा पड़ गया। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुर्की के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए राजधानी अंकारा की यात्रा की घोषणा कर दी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप प्रभावित तुर्की ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक स्तर पर झटका देते हुए शहबाज शरीफ की मेजबानी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को तुर्की का दौरा स्थगित करना पड़ गया। विनाशकारी भूकंप के अगले दिन पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने ट्विटर पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की यात्रा के लिए कल सुबह अंकारा रवाना होंगे। इस दौरान भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान और तुर्की के लोगों के लिए वो राष्ट्रपति अर्दोआन के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे। इसी कारण से गुरुवार को बुलाई गई एपीसी की बैठक को स्थगित किया जा रहा है। सहयोगी दलों के परामर्श के बाद नई तारीख की घोषणा की जाएगी। हालांकि उनके ट्वीट के कुछ ही घंटों बाद ही तुर्की के प्रधानमंत्री के पूर्व विशेष सहायक आजम जमील ने ट्वीट करते हुए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की मेजबानी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि तुर्की इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने देश के नागरिकों की देखभाल करना चाहता है, इसलिए कृपया राहत कर्मचारियों को ही भेजें। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तुर्की यात्रा रद्द होने के पीछे का कारण भूकंप के बाद चल रहे राहत कार्य और खराब मौसम को बताया है। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा कि भीषण भूकंप के बाद चल रहे राहत कार्य को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का दौरा स्थगित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने अपनी भाई देश तुर्की के भूकंप पीड़ितों को उनके कठिन समय में साथ देने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष स्थापित करने का फैसला किया है। इसके अलावा कैबिनेट ने राहत कोष में एक महीने का वेतन डोनेट करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने हमारे भाई देश तुर्की की उदार मदद करने की अपील की है। तो वहीं पाकिस्तानी अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट द ट्रिब्यून एक्सप्रेस के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को तुर्की के लिए रवाना होना था, लेकिन खराब मौसम और राहत बचाव कार्यों के हो रहे प्रयासों के कारण तुर्की की व्यस्तताओं को देखते हुए यात्रा स्थगित कर दी गई है। पीएम शहबाज की यात्रा एक बार फिर से निर्धारित होने की उम्मीद है और नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी। बता दें कि तुर्की को पाकिस्तान का एक अच्छा दोस्त माना जाता है। दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत मजबूत बताए जाते हैं। यहाँ तक कि दोनों देश रक्षा और व्यापार क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि तुर्की ने यूएन में भी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया था। अर्दोआन और तुर्की के विदेश मंत्री भी संयुक्त राष्ट्र में कई बार कश्मीर का मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन इस बार तुर्की ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने उसकी औकात याद दिला दी है। ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।